हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीआर स्टडी पॉइंट के क्विकर अप्रोच फॉर प्रीलिम्स के टाइम एंड वर्क के सेशन में। आज हम लोग का टाइम एंड वर्क का छठा सेशन होने वाला है। कल मैंने एक वीडियो नहीं डाल पाया था, मैं थोड़ी तबीयत अस्वस्थ थी मेरी। आज हम लोग फिर से टाइम एंड वर्क को देखेंगे, तो बिना देरी के हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने करीबन 36 सवाल कर चुका हूँ मैं, और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो 37वें सवाल पर बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो इस टाइप के सवाल का आखिरी सेशन होने वाला है। इसके बाद हम लोग वेजेस की ओर शिफ्ट करेंगे या किसी एक और टाइप की ओर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के सवालों का ये आज आखिरी सेशन है। अगर आपने इसके पहले के 5 पार्ट नहीं देख रखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। हमारा प्लेलिस्ट का भी मैंने लिंक अटैच कर दिया है, मैंने 5 पार्ट का इंडिविजुअल लिंक अटैच कर रखा हूँ मैं, आप जाके देखें, आपको प्रीलिम्स में काफी मदद मिलेगी, ठीक है। चलो आगे शुरू करते हैं हम लोग। पहला सवाल देखिए क्या क्या बोल रहा है हमारा सवाल में। बोल रहा है x can plow a farm in the same time as y and z together, ठीक है। x जो है y और z के द्वारा मिलाकर लिए गए समय के बराबर समय लेता है, ठीक है। अगर मैं टाइम की बात करूं तो अगर y plus z भी एक लेगा तो x भी क्या लेगा, एक लेगा। अच्छा, इससे एक चीज आपके दिमाग में ये तो क्लियर हो गया होगा कि अगर समय बराबर इन दोनों को लग रहा है तो एक चीज तय है भैया कि जो इफिशियंसी x की होगी वही इफिशियंसी y plus z की होगी। ये तो कथन भी है कि अगर वर्क सेम होता है तो टाइम और इफिशियंसी में इनवर्स का रिलेशन होता है, ठीक है। आगे बढ़ो। इफ x एंड y टुगेदर, x और y मिल के जो है किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, ठीक है। z उसी काम को जो है कितना दिन में करता है, 50 दिन, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर इस टोटल वर्क की बात करूँ, मैं टोटल वर्क 50 है तो ये 5 और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है सवाल में, y अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है। ऐसा भी पूछ सकता है x अकेले, z अकेले, z का अकेले तो मालूम है, x अकेले भी पूछ सकता है, ठीक है। या x प्लस वाई प्लस जेड भी, x प्लस वाई प्लस जेड जनरली पूछा, x पूछ सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा एक चीज यहाँ पे मैं यह कहना क्या चाह रहा हूँ कि y का अगर मुझे निकालना है समय, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, टोटल वर्क बटे में y की इफिशियंसी, ये तो मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखो 5 और 1 में 6 बोल, 6 क्या बताएगा मुझे, x प्लस वाई प्लस जेड की इफिशियंसी बताएगी क्या 6। लेकिन अगर यहाँ पे मैं x प्लस वाई प्लस जेड बोलूँ तो ये यहाँ पे मुझे 2 दे रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि दोनों तरफ 6 होना चाहिए तीनों को जोड़ के। अब तुम ध्यान से देखो, दोनों तरफ जोड़ के 6 हो गया, ये जस्ट एक बैलेंस किया, ठीक है। अब x के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, 3 यूज करता हूँ, ठीक है। x के लिए अगर मैं 3 यूज करता हूँ तो x का और y का वैल्यू 5 है, तो y के लिए मुझे क्या आएगा, 2 आएगा, और z ऑलरेडी 1 है, ठीक है। अब इस z का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो y यहाँ पे 2 आ रहा है, दोनों जगह y बराबर हो गया, दोनों तरफ से सॉल्व करने के बाद y बराबर हो गया, तो मेरा इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। अब मुझे क्या निकालना था, y का समय है ना, तो y की इफिशियंसी 2 2 से काट दो 25 बार में, कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए 25, दैट्स इट, ठीक है। तो हम लोग इस टाइप के सवाल को इस तरीके से किया करते हैं, ठीक है। चल अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, वन मैन और टू वुमेन और थ्री बॉयज कैन फिनिश अ वर्क इन 66 डेज, ऐसा सवाल मैंने पहले भी करा चुका हूँ, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं इस सवाल को क्या है। या तो एक आदमी, या तो दो वुमेन, या तीन बॉय, तीनों मिल के समान समय लगा रहे हैं, तो तीनों का जो एक आदमी का एफिशिएंसी होगा वो टू वुमेन और ये थ्री वुमेन, थ्री बॉय का एफिशिएंसी तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब यहां से एक चीज देखो कि अगर मैं यहां से डायरेक्ट निकालना है ना एम डब्ल्यू बी, तो रेशियो का एक टेक्निक मैं यूज करूंगा, मैंने पहले भी बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, आपको ये टेक्निक मिल जाएगी। एम के लिए क्या लिखेंगे, एम के पीछे जो नंबर है उसको छोड़ के बाकी दो नंबर को मल्टीप्लाई, 3 2 6। सिमिलरली वाई के पीछे जो नंबर, डब्ल्यू के पीछे जो नंबर है उसको छोड़ के बाकी जो दो नंबर है उसको मल्टीप्लाई, और बी के पीछे जो नंबर है उसको छोड़ के बाकी जो दो नंबर है उसको मल्टीप्लाई। तो ये क्या चीज निकल गया हमारा, एफिशियंसी निकल गया हमारा, ठीक है। अब बोल रहा है देन हाउ मेनी डेज वन मैन वन वुमेन एंड वन बॉय टुगेदर, तीनों मिलके एक एक आदमी तीन, तो एक मैन का 6, एक वुमेन का 3, 6 3 9 और 2 कितना, 11 एफिशिएंसी का एक ग्रुप बन गया। कितना दिन तक काम करेंगे, कौन से काम को कंप्लीट करने के लिए, वही काम को, कौन सा वही काम जिसको एक आदमी 66 डेज में, दो वोमेन या तीन बॉय 66 डेज, किसी एक को भी ले लो,
मुझे याद है उस सवाल में मैंने जो है लिया था 6 को, एक वुमेन को। अब हम लोग यहाँ तीन वुमेन, दो वुमेन से मैं दिखाता हूँ आपको कि अगर हम दो वुमेन लेंगे तो एक दो वुमेन के लिए दो लिख दिया, एक वुमेन की एफिशिएंसी 3, और इन्हें कितना दिन लगता है 66 डे। चाहे आप कुछ भी लो आंसर वही आएगा, एक्स इज इक्वल टू कितना 36 डेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, उम्मीद है आपको ये क्लियर। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला क्या है। 9 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 360 डेज। 9 चिल्ड्रन जो है किसी काम को 360 दिन में करते हैं। अगर एक चिल्ड्रन की इफिशियंसी सी है तो 9 चिल्ड्रन की इफिशियंसी 9 सी, और गुने में 360 कर देंगे तो इफिशियंसी इनटू टाइम क्या देता है, टोटल वर्क देता है। 18 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 72 डेज। अगर एक आदमी की इफिशियंसी एम है तो 18 आदमी की इफिशियंसी 18 है, और 72 दिन इफिशियंसी इनटू टाइम क्या देता है, टोटल वर्क देता है। ठीक है, यहाँ देखो सेम पीस ऑफ वर्क बोला है, कौन सा सेम, जो काम ये 9 चिल्ड्रन के थे वही ना, तो ये दोनों काम क्या हो गया बराबर। आगे बढ़ो, 12 वुमेन, एक वुमेन की एफिशिएंसी W, तो 12 वुमेन 12 W कितने दिन में करेंगे, 162 डेज। ये भी वापस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसी को जस्ट काटना ही है ना, चलो काट देते, क्या जाता है हमारा काटने में, 9 से ही शुरुआत करते हैं, पहले देख लेते हैं इधर तो इधर कट जाएगा, यहाँ पे भी देख लेते हैं 9 और यहाँ कट जाएगा। ठीक है, 9 से काट देते हैं, 9 8 72, और 9 से एक बार में यहाँ पे कटेगा, और यहाँ पे फिर 72 8 बार। ठीक है, अभी भी 9 से कट रहा है, 9 से 40, 9 से 2 और 9 से 2। ठीक है, 4 से काटो, 4 से 10। ठीक है, फिर 4 से 2 और फिर 4 से 3। अभी एक बार और कटेगा, 2 2 और यहाँ पे 5। तो क्या हमारा फाइनली बच गया, 5C इज इक्वल टू 2M इज इक्वल टू 3W। फिर से देखो, अभी पहले वाले इक्वेशन सवाल के जैसा आ गया क्या, CMW का इक्वेशन अगर ये निकालने में बोलूं तो C के लिए क्या हो जाएगा, 3 2 6, M के लिए क्या हो जाएगा, 5 3 15, और W के लिए क्या हो जाएगा, 5 2 10। ये रेशियो में हमारा ये बटेगा। ठीक है, इफिशियंसी का रेशियो निकल गया। अब क्या बोला हमारा सवाल में, इन हाउ मेनी डेज 4 men 12 women and 10 children टूगेदर कम्प्लीट द वर्क। ठीक है, तो ये तीनों तो टोटल वर्क है हमारे। ठीक है, तो टोटल वर्क में हम इन्हीं में से किसी एक को ले लेंगे, तो दैट इज हमारा 9C into 360 हम टोटल वर्क। ठीक है, अब इसी को हमको किससे करवाना है, 4 आदमी, एक आदमी का इफिशियंसी 15 है तो 4 का 15 × 4 12 वुमेन, एक वुमेन का इफिशियंसी 10 है तो 12 × 10। ठीक है, फिर 10 चिल्ड्रेन, एक चिल्ड्रेन का इफिशियंसी 6 है तो 10 का 6 × 10, ये तो अभी इफिशियंसी आया, मुझे क्या चाहिए, समय भी चाहिए, तो x दिनों में करेगा, 15 × 4 कितना, 15 × 4 60, और 60 120, और यहाँ से भी 120, तो टोटल क्या होगा, 240। अगर मैं 120 से काटूँ तो ये पूरा 2 बार में कट जाएगा, और ये पूरा कितना बार में, 3 बार। ठीक है, पूरा कितना है, सॉरी 3 बार में ये पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो c की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, C की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 6 में हो जाएगी, तो 2 से और काट दो, 6 को 2 से काट दो, ये 3 बार, 3 3 9 9 81, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 81 निकल के आ गई, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चाहे जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल आए, जितने भी इस तरीके का सवाल आए, हमें करना बस इसी तरीके से। ठीक है, इस टाइप के जितने भी सवाल आते हैं उनमें हम लोग इसी तरीके से सवालों को डील करते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े डेटा, वो सारा कट जाएगा ईजी वे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल के ऊपर, टाइम टेकन बाई ए अलोन टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, ए के अकेले के द्वारा किसी काम को करने में लगा समय, इज 60% मोर देन द टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, ए प्लस बी से 60% अधिक है। क्या है, टाइम 60% अधिक है। ठीक है, जो कि अभी बहुत, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ए प्लस बी 100 है तो 60% अधिक 160 हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने जिक्र किया, इसे पहले काट देता हूँ, 2 से 8 2 से 5। ठीक है, अभी मैंने जिक्र किया तो वर्क तो इक्वल होता है हमारा, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। अगर ए 5 है और ए प्लस बी 8 है तो बी का इफिशियंसी कितनी, 3। ठीक है, आगे देखो क्या बोला, सी इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज बी, सी की इफिशियंसी जो है बी का ट्वाइस है, तो सी कितना हो गया, 6। If B and C together can complete the same piece of work in इतना दिन,
बी और सी मिलके इसी काम को कितना दिन में करते हैं, 13 होल 1/3, दैट इज 40/3 डेज में। कौन करते हैं, बी और सी करते हैं, तो बी और सी की कॉम्बाइन इफिशियंसी कितना, 6 × 3। टाइम में इफिशियंसी मल्टीप्लाई होता है तो क्या दे देता है, टोटल वर्क दे देता है। अब इसी काम को मुझे किससे करवाना है, इन हाउ मेनी डेज, ए अलोन फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क। अब ए करेगा तो ए करने के लिए क्या है, सिर्फ ए की इफिशियंसी से डिवाइड कर दो 5 से 8 बार में, 3 से 3 बार में, 8 + 3 कितना हो गया 24, है ना, 8 + 3 कितना 24 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल इस तरीके से। चलो अगला सवाल देखो, अगला क्या है, ऋषभ अकेले किसी काम को कितना दिन में करता है, 24 दिन में करता है ऋषभ, ठीक है। द रेशियो ऑफ वर्किंग इफिशियंसी ऑफ शशांक एंड केशव, ठीक है, शशांक और केशव का वर्किंग इफिशियंसी जो है वो है 4:5, और ऋषभ और शशांक का वर्किंग इफिशियंसी जो है वो है 3:4। क्योंकि शशांक और शशांक बैलेंस है तो सारा रेशियो एक में हो जाएगा, और इसलिए हम लोग यहाँ पे इसमें बैलेंस की कोई इधर उधर नहीं करेंगे। अब चूंकि मुझे मालूम है कि ऋषभ 24 दिन में करता है तो उसकी इफिशियंसी से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे क्या दे देगा, टोटल वर्क दे देगा। ये भाई साहब क्या निकल के आ गया, टोटल वर्क। अब हमें यही काम को किससे कराना है, इन हाउ मच टाइम केशव विल कंप्लीट द सेम वर्क। केशव की इफिशियंसी कितनी है, 5 है, तो डिवाइड क्या कर दो, 5 कर दो, 24 + 72, 72 को जब 5 से डिवाइड दोगे तो ये कुछ 14.4 देगा, 72 का दूना और एक डेसिमल लगा देना, ठीक है, तो ये क्या देगा, 14.4, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर आंसर। कितना आसान सा सवाल था, ठीक है। चलो इसके बाद देखो क्या, 15 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। 15 आदमी किसी काम को जो है कितना दिन में कंप्लीट करते हैं, 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। After 4 days from the start of the, ये 3 कुछ नहीं है, ठीक है, of the work, ठीक है, काम शुरू होने के 4 दिन के बाद, some men left, कुछ आदमी क्या होते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, कुछ आदमी ना छोड़ दिए। अब एक चीज मेरे को बताओ, मैंने इस सवाल को कई बार ऐसा मैंने बता चुका है कि अगर किसी काम को 15 आदमी 12 दिन में करता है और 4 दिन कर दिया तो काम कितने दिनों का बचा, 8 दिन, इसके बाद ही ना कुछ आदमी छोड़ के गया हुआ। If the remaining work was completed by remaining man, let's say जो बचा हुआ आदमी है वो है X, ठीक है, जो बचा हुआ आदमी है वो क्या है, X है, remaining आदमी हमारा X है, और वो बचे हुए काम को कितना दिन में करते हैं, 10 दिन में, ठीक है, X man है, MM भी कट जाएगा, ठीक है, 15 × 8 = 120 होता है, 10 से काट देंगे कितना बार में, 12 बार, यानी X की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 12, मतलब बचा हुआ आदमी जो है वो कितना है, 12 है, ठीक है। हमसे क्या पूछा सवाल में, हाउ मेनी मैन लेफ्ट आफ्टर 4 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द वर्क, कितना आदमी छोड़ के गया, 15 आदमी था, बाद में 12 आदमी काम कर रहा था, तो कितना आदमी छोड़ के गया, 15 - 12, दैट इज कितना, 3, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, डी नंबर ऑप्शन हो गया, खत्म हो गया सवाल, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल, पी कैन कंप्लीट अ वर्क 12 डेज वर्किंग 8 आवर अ डे, देखो कितना अच्छा सवाल है, ठीक है, पी किसी काम को 12 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन काम करे। अच्छा मैं बोलूं कि पूरे काम को कंप्लीट करने में पी ने कितना घंटा लगाया, तो आप कैसे बताओगे, एक दिन 8 घंटा, 12 दिन क्या, 12 × 8, यही ना, तो हम लोग सीधा सीधी ये चीज समझते हैं कि पी ने 12 × 8 घंटे काम किए। क्यू कैन कंप्लीट द सेम वर्क 8 डे 10 आवर वर्किंग, इसका भी 8 × 10 करोगे, और P एंड Q टुगेदर हमसे क्या पूछा है, P एंड Q टुगेदर वर्किंग 8 आवर अ डे कितना काम को कंप्लीट करेगा, ठीक है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना काम को कंप्लीट करेंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। अब मैं देखो जादू दिखाता हूं, ये 8, ये 8 और ये 8 को काट दो, P किसी काम को 12 दिन में और Q किसी काम को 10 दिन में, P और Q मिलकर कितना दिन में कर लेगा ये बता दो खाली, P 12 Q 10, टोटल वर्क 60, 12 × 5 = 10, 6, 60/6 = 5, 11, 5 whole 5/11, यही आंसर हो गया हमारा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, खत्म हो गया। क्यों मैं लेके चलूं, मेरे को एक चीज बताओ, जब मेरे को मालूम है कि 8-8 घंटे का ही इंटरवल है हर बार, यहां 10 घंटे का है तो इसको इंटरचेंज कर दो ना, अगर मैं बोलूं 10 दिन तक काम किया 10 डे 8 आवर, तो क्या कुछ बदल जाएगा,
उसका करने का जो काम खत्म करने का आवर होगा वो बदल जाएगा। पहले भी तो वही था ना, 8 × 10 = 80, अब भी वही है 8 × 10 = 80। ये चीज को समझो कि कितना तेजी से तुम इन चीजों को बदल सकते हो, ठीक है? तो चीजों को ध्यान से समझो, अप्रोच समझो और इसी तरीके से सवालों को सॉल्व करो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, बहुत ही आसान सा सवाल। रमेश इज ट्वाइस एज अ गुड वर्कमैन एज सुनील, ठीक है? रमेश जो है वो सुनील से ट्वाइस है एफिशिएंसी में, ठीक है? एफिशिएंसी में ट्वाइस है तो टाइम क्या हो जाएगा, 1/2। ये एफिशिएंसी और ये टाइम, क्या बोला, फिनिश करता है काम को 3 घंटे कम में, तो 2 में 1 चला गया कितना, 1 का मान 3 के बराबर। रमेश किसी काम को कितना देर में कंप्लीट करता, 3 घंटे में कंप्लीट करता, तो टोटल वर्क तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि उसका टाइम 3 निकल गया, उसकी एफिशिएंसी 2 है, तो 3 × 2 हमारा टोटल वर्क होगी। अब देखो क्या बोल, इन हाउ मेनी आवर दे टुगेदर कुड फिनिश हाफ ऑफ द वर्क, आधा काम को, तो मेरा पूरा काम ये था, आधा क्या हो गया ये, अब दोनों मिल के करेंगे, तो दोनों मिल के मतलब क्या, 2, 1, 3। अब इसके आगे मैं क्या ही बोलूं, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 1 आवर। आई बात समझ में, जस्ट सिंपल है, इफिशियंसी का क्या होगा, रिवर्स होगा टाइम, ठीक है? क्यों, क्योंकि टोटल वर्क सेम है, तुमने ये पढ़ा होगा A into B = C, ठीक है? अगर ये हमारा कांस्टेंट होता है तो A और B में इनवर्स का रिलेशन होता है, तो यही है ना, टाइम इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। A इज थ्राइस एज इफिशियंट एज B, ठीक है? A जो है B से थ्राइस इफिशियंट, तो B की इफिशियंसी 1, तो A की कितनी, 3। A started working, A काम को शुरू करता है ना, after 4 days he was replaced by B, 4 दिनों के बाद जो है वो क्या करता है, B उसको replace करता है, 3 की efficiency से 4 दिन में, तो 4 × 3 = 12 काम उसने किया होगा। B then worked for 15 days and left, 15 दिन B काम किया, 1 की efficiency से 15 दिन तक, तो कितना हो गया, 15 काम B ने किया। A and B together finished 75% of the work, टोटल कितना हो गया, 27, मतलब 27 काम हो गया, जो कि किसके बराबर है, 75% के बराबर है 27, तो 100% कितना हो जाएगा हमारा, 100% हो जाएगा 27/75 और गुने में कितना, 100, ये हो गया हमारा टोटल वर्क, ठीक है? इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन फिनिश द वर्क, इस अकेले बी अकेले इसी काम को कितना दिन में फिनिश करेगा, टोटल काम ये हो गया ना, और बी की एफिशिएंसी 1, ठीक है? इन हाउ मेनी डेज बी अलोन फिनिश द होल वर्क, पूरे काम को कितना दिन में खत्म करेगा, तो 25 से 3, 25 से 4 बार में, 3 से 9 बार में, 9 × 4 = 36, कितना दिन लगेगा, 36 दिन लगेगा, होगा आंसर हमारे 36 दिन, क्योंकि बी की एफिशिएंसी तो एक ही है, ठीक है? तो सवालों को समझो इसी तरीके से करना है। आगे बढ़ते हैं, चलो लास्ट सवाल क्या बोल रहा है हम लोगों का, 24 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, ठीक है? 24 मैन जो है किसी काम को 18 दिन में करते हैं। 12 women can complete the same piece of work in 28 days. 28 days में complete करते हैं, ठीक है? चलो हम लोग थोड़ा सा काट छाट लेते हैं, ठीक है? 6 से 3 बार में काटते हैं, 6 से 2 बार में, ठीक है? और फिर हम लोग 2 से काटते हैं इसे, 12 बार में, ठीक है? फिर हम लोग काटते हैं 4 से काटते हैं 3 बार में, और 4 से काटते हैं इसे 7। M और W का रेशियो निकाल लो, 7 रेशियो कितना, 3, ठीक है? अब ये देखो इसमें कितना सारा कैलकुलेशन का भंडारा है। 27 men started working, भैया एक आदमी का एफिशिएंसी 7 है, तो 27 का कितना होगा, 27 × 7, ठीक है? ये रेशियो में है तो इसे एज्यूम करना है, वो सारा कट जाता है, ठीक है? एंड आर रिप्लेस्ड बाई 14 women, 14 women से रिप्लेस कर दिया जाता है, कितने दिनों के बाद, आफ्टर 8 डेज, 8 दिन तक तो ये लोग काम किए ना, अब इसके बाद कौन आ गए, 14 women आ गए, एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी, 3, इन हाउ मेनी डेज 14 वुमेन विल फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बचे हुए काम को 14 वुमेन कितना दिन में ये करके खत्म, तो टोटल काम हो गया। अब किसी भी एक टोटल वर्क के क्या करो, बराबर, टोटल वर्क तो 24 m × 18 भी है, 12 m × 28 भी है,
तो हम लोग 24m को ही पकड़ते हैं, तो m की वैल्यू जो है हम लोग ये m ना लिख के डायरेक्ट 7 लिख के और यहाँ पे 18 कर देते हैं। अब तुम ये अगर सोच रहे हो कि इतना बड़ा कैलकुलेशन करें तो करें कैसे, ठीक है मैं चलो दिखाता हूँ। 3 से काटो 9 बार में और 3 से काटो 8 बार में, ठीक है अभी और काटो 2 से 4 बार में, ठीक है 2 से 4 बार में, 2 से 7 बार में और 2 से 9 बार में, ठीक है अभी और देखो जा दो 7 7 7 खत्म, 9 गुने 4 36 प्लस x 8 गुने 9 72, ठीक है एक गड़बड़ हो गया कुछ कहीं पे क्या, एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसे फिर से देख लेता हूँ, ये कुछ गड़बड़ मैंने कर दिया है यहाँ पे काटने में, ठीक है मैं यहाँ पे इसको फिर से लिख दे रहा हूँ इस इक्वेशन को, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, ठीक है क्या बोला हमारा सवाल में 27 मैन स्टार्टेड, तो 27 मैन, एक मैन की इफिशियंसी 3 है, अच्छा यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया है, ये 3 × 3 9 है, ठीक है चलो कोई बात नहीं अभी भी सुधर जाएगा ये अभी कुछ ज़्यादा तो मैंने गड़बड़ नहीं करा था, ये यहाँ पे देखो 3 × 3 है, ठीक है 3 × 3 जो क्या हो गया हमारा 9 हो गया, तो यहाँ पे भी हमारा 1 और 3 क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक है 1 और 3 जब बढ़ जाएगा तो हम लोग 3 से एक बार और काट सकते हैं 3 बार में और यहाँ पे 3 बार, ठीक है तो 4 × 3 जो यहाँ पे 12 बचा, यहाँ पे x बचा और 8 × 3 जो कितना बचा 24 बचा, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 12 निकल के आ गई, कौन सा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो देख लो इफिशियंसी का मैंने काफी सारा सवाल करा दिया, ये हमारा आखिरी सवाल था इस स्लाइड का, ये हमारा आखिरी सवाल था, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा, इफिशियंसी से रिलेटेड कोई भी आप परेशानी नहीं होने वाले, जितना टाइप था मैंने सब करा दिया, कई सवाल तो मैंने 2-2 बार करा दिया, ठीक है बस आपका काम है कि आप देखो सीखो और उसकी प्रैक्टिस कर लो, एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना किसी भी वर्कबुक जो भी आपके पास वर्कबुक अवेलेबल है, ठीक है और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में वेजेज या फिर पैसा से रिलेटेड या फिर किसी और टॉपिक को देखते हैं हम लोग, कौन सा सेशन लेके आएंगे उसको देखते हुए हम लोग नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक अपना ध्यान रखें, घर पे रहें और यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, थैंक यू।